हेलो एवरीवन, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं भिंडी की सब्जी बिना लहसुन प्याज के नवरात्रा के लिए। देखिए ये सब हमारा सामग्री है। देखिए हमने भिंडी को धो के अच्छी तरह से काट लिया है, इस तरह से छोटे छोटे। और देखिए सूखी हुई भिंडी है, पानी रहेगा तो पूरा लसलसा हो जाता है, इसलिए भिंडी को धो के सुखा लीजिए, फिर इस तरह से काटिए। और ये हमारा टमाटर है, दो छोटे टमाटर है। ये हमारे फोरन के लिए जीरा और मेथी लिए हैं। और ये हमारे मसाले हैं, नमक है 1 चम्मच, ये हमारा गरम मसाला है, ये सरसों है, ये हमारा धनिया पाउडर है, कुल्की जीरा पाउडर है, और ये लाल मिर्ची है, और ये हल्दी है। हमारा कढ़ाई गरम हो चुका है, इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। पहले थोड़ा सा ही तेल डालना है क्योंकि भिंडी फ्राई करके हमको निकाल लेना है, क्योंकि भिंडी चिपचिपी होती है, इसलिए फ्राई कर लेंगे हम। सारे निकाल लेना है, ज्यादा नहीं फ्राई करना है, बस 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। उसके बाद थोड़ा सा हम तेल और डालेंगे, एकदम थोड़ा डालना है क्योंकि तेल हमने पहले डाला था, एकदम 1 चम्मच डालना है। इस तरह से थोड़ा ही तेल डालना है। इसमें हम फोरन को डाल देंगे, फोरन हमारे जल चुके, इसमें हम बाकी सारे मसाले को डाल के हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। स्टीम आज पर थोड़े से पानी ऐड करके इसको हम मसाले को फ्राई करेंगे। देखिए हमारा मसाला ये फ्राई हो चुका है, तेल कैसे ऊपर आ गया है। अब इसमें हम भिंडी को डाल देंगे, अब थोड़े से इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि मसाला और भिंडी हमारे अच्छी तरह से पक जाए। नवरात्रा पे आप भिंडी की सब्जी ये रोटी के साथ या पराठा के साथ चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है बिना लहसुन प्याज के, बहुत अच्छी लगती है सब्जी। इस तरह से हम ढक के 1 मिनट तक इसे पका देंगे। हमारी सब्जी तैयार हो गई है भिंडी, इतना अच्छा बना है। तेल भी कम है और बिना लहसुन प्याज के नवरात्रा स्पेशल ये सब्जी है। पराठे चावल किसी चीज के साथ खाइए, बहुत टेस्टी रहेगा। गैस को हम ऑफ कर देंगे, थोड़ी सी धनिया पत्ती इसमें हमने छिड़क दी है। ट्राई कीजिएगा कैसा बना है सब्जी, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।